हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पे ऑफिशियली अपलोडेड 7 नई हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। इस लिस्ट में पहली मूवी आती है इदू गोल्ड ए है। इदू गोल्ड ई है 2016 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है आज का ब्रह्मा। ये एक कॉमेडी मूवी है। इसके लीड रोल में है सुनील, सुषमा राज और ऋचा पनाय। इसको डायरेक्ट किया था वीरू पोटला ने। ये मूवी सिलेक्टफ्लिक्स नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इस लिस्ट में दूसरी मूवी आती है कथालो राजकुमारी। कथालो राजकुमारी 2017 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है रॉयल क्वीन। रॉयल क्वीन एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर महेश तुरपानेनी थे। इसके लीड एक्टर थे नारा रोहित, नमिता प्रमोद और नागा सौर्य। ये मूवी गोलमेज टेलीफिल्म्स पर ऑफिशियली अवेलेबल है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है कोलारा। कोलारा 2017 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर आर्या एम महेश थे। इसके लीड एक्टर थे योगेश और नैना सरवार। ये मूवी सिलेक्टफ्लिक्स नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है रंगन स्टाइल। रंगन स्टाइल 2014 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर प्रशांत एस थे। इसके लीड रोल में प्रदीप और कनिका तिवारी थे। इस मूवी में किच्चा सुदीप ने एक कैमियो रोल भी किया है। ये मूवी आरकेडी डिजिटल नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे आती है म्याना। म्याना 2013 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर नागा शेखर थे और इसके लीड रोल में थे चेतन कुमार, नित्या मेनन और आर शरद कुमार। ये मूवी सिलेक्टफ्लिक्स नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है सप्तगिरी एक्सप्रेस। सप्तगिरी एक्सप्रेस 2016 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक एक्शन कॉमेडी एंटरटेनर मूवी है जिसके डायरेक्टर अरुण पवार थे। इसके लीड रोल में सप्तगिरी और रोशनी प्रकाश थे। सप्तगिरी की एज ए हीरो ये पहली मूवी है। ये मूवी गोलमेज टेलीफिल्म्स पर ऑफिशियली अवेलेबल है। इस लिस्ट में आखिरी मूवी आती है मैत्री। मैत्री 2015 की कन्नड़ा मलयालम मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक सोशल ड्रामा मूवी है जिसका डायरेक्शन बीएम गिरिराज ने किया था और इसके लीड रोल में थे मोहनलाल, पुनीत राजकुमार और अर्चना। ये मूवी सिलेक्टफ्लिक्स नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये सभी मूवी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे अभी अवेलेबल है। और भी नई साउथ हिंदी डब मूवीज़ की जानकारी के लिए और अपकमिंग साउथ हिंदी डब मूवीज़ की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।